हाय, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सो के उठा हूँ। हाँ, मेरी गलत दिक्कत फिर से हो गई है। मैं क्या बोलते हैं, हाँ उठ रहा। 15 मिनट में नहाना है, जाके नमाज पढ़ के आना है। I'm done, I'm done, I'm done. बस थोड़ा सा हीटर के पास बैठ रहे हैं और 1:27 हो गया है, जो कि एक 35 पे 135 पे जमात खड़ी होगी और 2 मिनट के अंदर मैं छाछू छे कर दूंगा। 60 से जाऊंगा, 60 से आऊंगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ बाल सुखा लूँ कि ऐसे ही गीले गीले बाल कर लूँ, लेकिन अभी सुखाने का टाइम नहीं है, ड्रायर करने का टाइम नहीं है। आई एम डन। हुडी, लोवर और ठीक है। तो ये हाफिज आ चुके हैं और क्या बोलते हैं, बस मैं भी जुमा पढ़ के आ गया और थोड़े से तिलावत कुरान हो जाए, थोड़ा सा बस सोच रहे हैं कि यार कुछ खा लेते हाफिज जी, तो पढ़ लेते, बहुत तेज भूख लगी है। पहले पढ़ाई उसके बाद में खिलाई। बिरयानी की दुकान के बाहर हम 10 मिनट तक बैठे रह गए, तो लोग इतने थे। 10 मिनट हम इधर बैठे रह गए, खाओगे खाओगे। 10 मिनट मैं इंतजार कर रहा था इधर आपका। आपका 10 मिनट मैंने जाया कर दिया? हाँ जी, 10 मिनट जाया किया मेरा। मेरे मालिक, 1 मिनट 1 घंटे के बराबर है हमारा। या मेरे अल्लाह, अल्लाह तौबा। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاشات آلام. ये सिर्फ और सिर्फ आते हैं, हमें लगता था कि आते हैं उसको पढ़ाने के लिए, इतना चाफ जी आ जाता है, लेकिन बंदा आता है वाईफाई चलाने के लिए। धका धक चीजें डाउनलोड होती हैं, इतनी वाईफाई चला रहा है हमें तो एक 6 महीने तक हमको लगा ये बंदे सिर्फ मेरे लिए आता है। हम उछल उछल के खूब उछल उछल के वीडियो बना रहे हैं। हम हाँ खूब उछल उछल गए हाफिज जी बाद में देखे हाफिज जी लगातार 6-6 चीज डाउनलोड करके लगाया हुआ है यार। फिर हम देखे ये उस दिन भी आ जा रहे जिस दिन हम नहीं है, मैं क्यों आ जा रहा है यार हाफिज जी? हम कहीं जा रहे हैं हाफिज जी बाहर बाहर कहीं हम जा रहे तो रास्ते में आते हुए दिख रहे घर पे मेरे। ठीक है बात, देख भी नहीं रहा मेरे तरफ। हमने कहा यार जरूरी नहीं है भाई, क्यों आता है फिर घर पे? आप के लिए पढ़ा दे। ये आते हैं वाईफाई चलाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक नहीं 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 हाफिज जी, तुम्हारा घर। मेरे रब के फैसले का बात। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में खाना नहीं बनता, मेरे घर में खाना बहुत अच्छा अच्छा बनता है, लेकिन वो मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा बाहर के खाना अच्छा लगता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मेरी होने वाली बीवी इसको देख रही है तो आओगी तभी तो बनाओगी पागल, तभी ना होटल बाजी छूटी। हाफिज जी बोलते हैं, वही बना रहे हैं अभी वीडियो। हाफिज जी बोलते हैं कि आपकी बीवी आएंगे तो उनके यहाँ से खाना खाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपने क्या बोला अभी? खाने चम्मच से खाएंगे। नहीं नहीं आपकी बीबी जो आएंगी हम भी उनके यहाँ से खाएंगे। हम कैसे खाएंगे पता है? बीबी आ रही है, भाभी ऐसे खिला रही है, लीजिए देवर जी। हाँ भाभी ऐसे लगे पहले तो मेरी बारी आएगी ना खाने की, बाद में आपकी आएगी ना।
बात भी आपकी आएगी। हाँ तो आपकी वाइफ भी तो हमारी भाभी हुई, दूर दूर रहेंगे ना एक दूसरे की बीवियों से यार। हाँ तो ये भी मसला है। कोई चार चीज, तीन चीज मेरे बारे में अच्छी, तीन चीज मेरे बारे में बुरी, तीन अच्छी, तीन अच्छी। अरे सोचे दो याल्ला, सोचे दो याल्ला। एक भी नहीं यहाँ पे जी, नमक उठाओ, ये काला नमक उठाओ। देखो बाहर टेबल है, टेबल के नीचे एक डिब्बा होगा, इधर लग लो, इधर लो। टेबल के नीचे एक डिब्बा होगा, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होगी, ले आओ। देखो यूप छोड़ा है वो तो ले आओ। हाँ एक ही बचता है भाई, और बाकी झूठा साला हो गए। सच में एक ही बची है, सच में एक ही बची भाई, ये लास्ट है। एक ला दीजिए, मैं खाओगे? अरे अरे बची है क्या, एक्स्ट्रा बची है तो खा ही लेंगे। हाँ वो आता करे तो वो जालिम नहीं कि उसकी मुंह में ले लूं। अभी तीन अच्छी, पहले पहली सबसे तीनों के बराबर एक अच्छाई, तीनों के बराबर की एक, तीन अच्छाई तो नहीं, तीनों के बराबर एक अच्छाई। जो दो साल करीब हो गया, उस दो साल में हमको सबसे जो अच्छा लगा शुरुआत से लेके अभी तक, इस बंदे ने इस लाइन में होते हुए, इस बंदे ने अपने इस्लाम को पीछे मुड़ के देखा और अपनी कुरान शरीफ को मुकम्मल किया, और इतना अपना कीमती वक्त निकाल के, ये कहीं चले भी जाते थे जो ऑनलाइन में इनको पढ़ाता था, वॉइस कॉल पे, चैट पे, वीडियो कॉल पर, इतना कीमती वक्त निकाल के अपना इन्होंने बस कुरान शरीफ मुकम्मल की और इस चीज़ को समझा, और नमाज वगैरह भी धीरे 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 सब चीज़ होती, धीरे धीरे सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की। सबसे बेस्ट, सबसे भारी, सारी मतलब अच्छाइयों से सबसे ऊपर भारी ये है। बाकी दो कुछ नहीं कहेंगे, खैर अच्छे हैं, छोटे भाई हैं, बढ़िया है, क्या कहे। हाय गाइस, तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसा खास था नहीं, और जाहिर बात है क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ, हर कुछ बहुत कुछ करने को तो नहीं होता, लेकिन अब सही बताएं तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे। मेरी मम्मी के बोलने पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, उनका कहना है ये रोज़ बनाओ, पता नहीं क्यों यार, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अगर आप लोग को इसमें मज़ा आ रहा है तो मुझे क्या, मैं तो बनाऊंगा, लेकिन ठीक है। अभी इस समय हम लोग हैं गुमटी में, और आई थिंक अभी और इस वक्त अब आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे, तो कल फिर मिलते हैं, बाय।